हमने अपना एक कैपिटल बनाया 30-40 लाख रुपए का और हम चले गए चाइना। हम चाइना गए, हमने वहाँ पे सारी मार्केटें विजिट की, वहाँ पे सप्लायर के साथ मीटिंग की, हमने वहाँ पर एक एजेंसी ढूंढी, उसके साथ हमने काम स्टार्ट किया। यार अगर चाइनीज हमारे साथ कोई धोखा करे तो हमारे पास ही हमारा बंदा है, पाकिस्तानी है, और वो हमारे लिए वहाँ चाइना में काम करता है। इम्पोर्टर का प्रॉफिट हटाया, होलसेलर का प्रॉफिट हटाया, और हम अब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ डायरेक्ट हो गए। मैं एक प्रोडक्ट का एक कंटेनर नहीं ले सकता, असल में वो बेचना मेरे लिए मुश्किल है पाकिस्तान में। तो हमने क्या, हमने कहा चलो चाइना में हमें भले 500 की चीज 700 की मिले, 200 महंगी मिले, मसला नहीं है। मैंने कहा भाई वैसे भी तो डाउनफॉल की तरफ ही जा रहे हैं ना यार। हमने क्या किया, वहां पे जाके सेटिंग अपनी बनाई, चाइना से हमने पूरा कंटेनर उठाया। कंटेनर उठाने की क्या वजह है कि अब ड्यूटी मैं खुद पे करूंगा, मैंने अपना एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाया। कितने का बनता होगा एक्सपोर्ट लाइसेंस, आपका क्या ख्याल है? आई थिंक लग जाएंगे 1 मिलियन, 5 लाख 10 लाख। अब देखो एक नॉर्मल आप बंदे हो और आपका ये माइंड है कि मेरे 5-7 लाख बन जाएंगे। सर एक्सपोर्ट लाइसेंस सिर्फ 5,000 का बनता है।